नमस्कार, मैं हूं अतुल द्विवेदी और आप देख रहे हैं 7i न्यूज। धर्मपुर थाना क्षेत्र में एक 108 एम्बुलेंस में आग लग गई। घटना स्थल पर फायर ब्रिगेड मौके पर नहीं पहुंची और 108 एम्बुलेंस जलकर खाक हो गई। घटना के वक्त एम्बुलेंस में कई लोग सवार थे, जो बाल बाल बच गए। अजयगढ़ से अनिल गुप्ता की रिपोर्ट। डबरा में मध्य भारत की हॉकी के चेयरमैन देवेंद्र प्रताप सिंह का युवा समाज सेवी सूरज सामंत ने अपने साथियों के साथ पुष्पहारों से स्वागत किया। स्वागत में सामंत के साथ हेमू वर्मा, श्यामू, जीतू बोहारे, नरोत्तम करोसिया, अनुराग भार्गव, दीपक जाट, सोनू शाक्य, रोहित सोनी आदि उपस्थित रहे। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। डबरा में गहोई वैश्य समाज नवयुवक मंडल के शपथ ग्रहण समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मध्य प्रदेश सरकार के कैबिनेट मंत्री डॉक्टर गोविंद सिंह भी शामिल हुए। कार्यक्रम में विशिष्ट अतिथि अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक राजा बाबू सिंह ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि गहोई वैश्य समाज नवयुवक मंडल अन्य समाजों के लिए प्रेरणा बन सकता है। मैं नवनियुक्त अध्यक्ष और उनकी टीम से यही बात करूंगा कि भारत के राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 150वीं जयंती पर सिंगल यूज प्लास्टिक को पूर्णतः बंद कराने के लिए अहम भूमिका निभाएं। इस मौके पर चंबल संभाग के DIG अशोक गोयल ने भी अपने संबोधन में नवयुवक अध्यक्ष और उनकी टीम को बधाई दी। समाज के युवाओं ने शपथ ग्रहण समारोह में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया, जिसमें महिलाएं भी शामिल हुईं। डबरा से आसिफ खान की रिपोर्ट। काम कर रहे हैं, जो सजा हम दे रहे हैं वो बहुत व्यापक रूप से हुआ है। ऐसा कोई जला नहीं बचा जिसमें सहकारिता को लूटा न गया हो, किसानों को लूटा न गया हो। हर जिले में इस तरह की स्थिति हर 60-70 सोसाइटी में एकदम ऐसा नहीं होता जादू का पटाल लगा देना। हमारे पास लोग चुल्लू है कि पटन बताए हाल निकल पड़े। दमोह जिले के हटा बाजार में देर रात एक दुकान में अचानक शॉर्ट सर्किट से आग लग गई, जिससे लाखों रुपए का सामान जलकर राख हो गया। दुकानदार ने बताया कि वह दुकान बंद करने के बाद रात करीब 8:15 बजे घर गया था। घर पहुंचते ही करीब 15 मिनट बाद फोन आया कि उसकी दुकान में आग लग गई है। वह मौके पर पहुंचा, लेकिन देखते ही देखते ऑटोमोबाइल का लाखों रुपए का सामान जलकर खाक हो गया। आग लगने का कारण शॉर्ट सर्किट बताया जा रहा है। अब पुलिस मामले की जाँच कर रही है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। जैसे सुनने में लगा आग लग गई, तुरंत दौड़ के भागा। यहाँ पर देखा तो सब कल लगभग 30-40% जल गया था, लेकिन जो 40% के बाद जो बचाने की कोशिश की तो इतनी जम से आग थी कि फिर वो कंट्रोल नहीं कर पाए। कितने का नुकसान हुआ? लगभग 4-5 लाख का तो सामान था। एक व्यापारी का पेमेंट था 60-65 हज़ार रुपये, दो मोबाइल थे, कूलर पंखा सभी था उसमें। तो दमोह जिले के पथरिया थाना के अंतर्गत एक नरकंकाल मिलने के बाद क्षेत्र में सनसनी फैल गई है। मामले की जानकारी मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच की। पथरिया थाना से लगे सूखा गांव में एक नरकंकाल मिला है। बताया जा रहा है कि अज्ञात चोर बिजली 11 KV लाइन से बिजली का तार चोरी करने आया था, जिसके करंट लगने से उसकी मौत हो गई और पिछले 2 महीने से उसका शव खेत में पड़ा रहा। घटनास्थल से बिजली का तार चोरी करने वाले औजार पाए गए हैं, जिसमें कटर क्लास, लोहे की आरी एवं तार काटने वाले अन्य औजार तथा एक बहुत बड़ी प्लास्टिक की बोरी बरामद की गई है। पुलिस ने मर्ग कायम करते हुए जांच शुरू कर दी है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। दमोह में खाद्य अधिकारी ने मिठाई की दुकानों पर छापा मारकर कार्रवाई की। त्योहारी सीजन को देखते हुए जिले भर में खाद्य सुरक्षा अधिकारी ने छापा मार कार्रवाई की। इस दौरान मिष्ठान बेचने वाले प्रतिष्ठानों पर दूषित मावा पाए जाने के बाद खाद्य अधिकारी द्वारा कार्रवाई की गई। पिछले साल दूषित मावा खाने से करीब 3 दर्जन लोग बीमार हुए थे। यही कारण है कि इस बार प्रशासन ने पहले से सतर्कता बरतते हुए जिले भर में छापामारी कार्रवाई की है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। श्रीमान कलेक्टर महोदय, दमोह के निर्देश अनुसार शरद पूर्णिमा के पर्व पर हमारे खाद्य सुरक्षा विभाग ने विभिन्न जो खोवा की लकड़ी की दुकान है, मावा लड्डू की दुकान है, हमने जाँच की है। आज हमने घंटागढ़ स्थित अग्रवाल मिष्ठान भंडार से खोवा का नमूना जाँच करके दिया है। नमूनों की जाँच की खाद्य परीक्षण प्रयोगशाला भोपाल भेज रहे हैं। भोपाल की जाँच रिपोर्ट में जो तथ्य सामने आएंगे उसके अनुसार आगे की वैधानिक कार्रवाई की। दमोह जिला अस्पताल में अव्यवस्थाओं का आलम यह है कि 2 दिन प्रसूति वार्ड में लगातार वाटर सप्लाई के लीकेज से पानी भरा हुआ है, जिसकी वजह से वार्ड में भर्ती प्रसूता महिलाओं को अपने वार्ड से शौचालय जाने के लिए पानी में से गुजरना पड़ रहा है। बता दें कि करीब 13 माह पूर्व ही पूर्व वित्त मंत्री जयंत कुमार मल्लैया द्वारा MCM भवन का उद्घाटन किया गया था, जिसमें जच्चा बच्चा को विशेष सुविधा चिकित्सालय का करीब 20 करोड़ की लागत से निर्माण किया गया था, जो कहीं ना कहीं भ्रष्टाचार का शिकार होता नजर आ रहा है। दमोह से राजू प्रिंस की रिपोर्ट। मतलब बाथरूम से पानी आता है, हम लोग यहाँ पे एडमिट हैं,
तो हमारे को बहुत परेशानी आती है। किस प्रकार की परेशानी आ रही है आपको? बाथरूम से पानी आ रहा है, 2-3 इंच भरा रूम में भर गया है। हमारे इधर डिलीवरी थी तो PNC वार्ड में, एक्चुअली डिलीवरी होने के बाद यहाँ शिफ्ट किया, PNC वार्ड में पानी भरा हुआ, आधे वार्ड में पानी भरा हुआ है, उससे बहुत प्रॉब्लम हो रही है। पानी भरा हुआ है वार्ड में, वहाँ से जाने में बहुत परेशानी होती। जो महिला मरीज हैं इनके लिए पानी से किस प्रकार की दिक्कत हो रही है? पानी से हो रही है। पन्ना में दशहरा देखने गई लड़की एक सप्ताह बाद भी घर नहीं लौटी। परिजन द्वारा पुलिस में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है। पुलिस लगातार लड़की की खोज में जुटी हुई है, लेकिन लड़की का अभी तक कोई सुराग नहीं मिला है। पन्ना से शिव कुमार पांडे की रिपोर्ट। देवर नगर से दशहरा से मौड़ी गाप हो गया। गाप होने के परत हमने बहुत उसको ढूंढा, ढूंढे के परंत तो अब मौड़ी कहीं नहीं मिली। इसके बाद हमने थाने में रिपोर्ट किया। रिपोर्ट करने के बाद पुलिस वोल्ट के हमको झांसा देती है। तो क्या झांसा देती है पुलिस आपको? पुलिस ये झांसा देती है कि आप मौड़ी को अपना तुम्हारे पास में है, अच्छा, और तुम मौड़ी को छिपा रहे हो। पता करेंगे लेकिन उसका अभी तक कोई पता नहीं है, वो 5 दिन हो गया। आपको आशंका क्या है? हमको संख्या यही है कि किसी ने उसको उठा ले गया, अपहरण कर लिया गया उसका। हाँ, उपस्थित नहीं था जो लोग हमें मौके पर नाधिकृत्य करते हुए मिले, उनके खिलाफ वैधानिक कार्रवाइयाँ की गई हैं। अब ये बच्ची परिवार से मिस हो गई है या कहाँ गई है, इसकी तलाश जारी है, जल्द से जल्द उसको ढूंढ निकाला जाएगा। पन्ना जनपद के रहुनिया ग्राम पंचायत का पंचायत भवन 5 साल बाद भी पूर्ण नहीं हो पाया है। पंचायत भवन के निर्माण के लिए लगभग 12 लाख रुपए स्वीकृत हुए थे, लेकिन लापरवाही के चलते 5 साल बीत जाने के बाद भी निर्माण कार्य पूरा नहीं हो सका है। वहीं जो भी निर्माण कार्य कराया गया है उसमें भी घटिया मटेरियल का प्रयोग किया गया है। पन्ना से शिव किशोर पांडे की रिपोर्ट। पहले आई है तन्नी के बराबर से मालू कुर्सी तक आई है, कुर्सी के बाद आसन लगो है मालू गर्मियन में काम तो इमें जो काम चला हुआ है तो सब रेता सीमेंट और ईंट सब्जी मालू लगाई गई, तो इसमें बहुत कच्ची लगाई गई। जनसंवाद कार्यक्रम श्योपुर में आए हुए पूर्व केंद्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया का बैराड़ नगर में नगर वासियों द्वारा स्वागत किया गया। स्वागत के दौरान विधायक सुरेश राठखेड़ा, किशन सिंह तोमर, डॉक्टर राम दुलारे यादव, अतर सिंह लोकरी, उमेद सरपंच राहुल यादव सहित बड़ी संख्या में कार्यकर्ताओं और समर्थक उपस्थित रहे। बैराड़ से सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। भिंड पुलिस ने विशेष अभियान चलाकर आर्म्स एक्ट में आरोपी हिमांशु पुत्र अनिल गुप्ता को सुभाष चौराहे से गिरफ्तार किया है। कार्रवाई में निरीक्षक शैलेन्द्र सिंह कुशवाहा, उप निरीक्षक पंकज मुद्गल, नीरज भदौरिया, सतीश डंडोतिया की महत्वपूर्ण भूमिका रही। भिंड से विवेक सिंह शेखू की रिपोर्ट। भिंड में पैदल जा रहे एक व्यक्ति को तेज रफ्तार ट्रक ने कुचल दिया। घटना देहात थाना क्षेत्र के अंतर्गत DG गांव समीप बने पेट्रोल पंप के पास की है। हादसे में घायल व्यक्ति की मौके पर ही मौत हो गई। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और मामला दर्ज कर लिया। भिंड से विवेक राजावाद की रिपोर्ट। भिंड के किनौथा गांव में एक महिला को प्रसव पीड़ा बढ़ने पर एम्बुलेंस में प्रसव करना पड़ा। 108 एम्बुलेंस द्वारा जब महिला को अस्पताल ले जाया जा रहा था तभी अचानक प्रसव पीड़िता के कारण 108 के मेडिकल तकनीशियन मधुरा शर्मा ने एम्बुलेंस में ही सुरक्षित प्रसव कराया। इसके बाद जच्चा बच्चा को सुरक्षित उमरी अस्पताल में भर्ती कराया गया है। भिंड से विवेक सिंह राजावाद की रिपोर्ट। भिंड पुलिस ने लूट के मामले में फरार चल रहे 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। बता दें कि दोनों आरोपी लूट के मामले में फरार चल रहे थे। पुलिस की मुखबिर के जरिए सूचना प्राप्त हुई कि दोनों आरोपी काली माता मंदिर के पास इटावा रोड पर खड़े हुए हैं, जो कहीं जाने की फिराक में हैं। मुखबिर की सूचना की तस्दीक करने के लिए थाना प्रभारी उदयमान सिंह यादव ने SI वीरेंद्र सिंह यादव, SI राजकुमार सिंह यादव, आरक्षक जितेंद्र सिंह यादव, आरक्षक गौरव मिश्रा के साथ लेकर मुखबिर के बताए हुए स्थान की घेराबंदी कर 2 आरोपियों को मौके पर ही धर दबोचा। भिंड से विवेक सिंह शेखावत की रिपोर्ट। लाहार में राष्ट्रीय प्रजापति महासंघ लाहार मध्य प्रदेश की बैठक आयोजित की गई। कार्यक्रम की अध्यक्षता परमोले प्रजापति चौधरी लाहार द्वारा की गई। बैठक में समाज सुधार के लिए कई विषयों पर चर्चा हुई। बैठक में मृत्यु भोज बंद करने का निर्णय लिया गया। कार्यक्रम का संचालन सोनू राणा प्रजापति द्वारा किया गया। लाहार से राजू त्रिपाठी की रिपोर्ट। शिवपुरी जिले में बड़ी खबर, रेलवे क्रॉसिंग ग्राम मोहरा व ग्राम तिघरिया रोड पर नगर पालिका कोलरास के कर्मचारियों द्वारा अवैध रूप से कचरा डाला जा रहा है। बता दें कि इस कचरे की वजह से बच्चे बीमारी का शिकार हो रहे हैं। कचरे में मरे हुए पशुओं के शव भी फेंके जाते हैं, जिसमें गंभीर दुर्गंध पूरे क्षेत्र में फैल जाती है और आने जाने वालों लोगों और स्कूल जाते बच्चों को काफ़ी परेशानी होती है। ग्रामवासियों द्वारा कई बार शिकायत दर्ज कराने के बाद भी आज तक कोई कार्रवाई नहीं की गई। शिवपुरी से सतीश धाकड़ की रिपोर्ट।
करेरा अमोला थाना से 3 किलोमीटर दूर सलैया करेरा हाईवे पर शिव शक्ति ढाबा के सामने एक तेज रफ्तार ट्रक ने 6 भैंसों को कुचल दिया। टक्कर के कारण 4 भैंसों की मौके पर ही मौत हो गई। भैंसें वीरपुर गांव के किसी गुर्जर की बताई जा रही हैं। घटना के बाद ट्रक चालक मौके से फरार हो गया। शिवपुरी से सतीश धाकड़ की रिपोर्ट। सीधी जिले के कुसमी थाना की ग्राम पंचायत दुआरी थुरुडोल गांव में एक व्यक्ति ने अपनी भाभी पर प्राणघातक हमला कर दिया। यह घटना घरेलू विवाद के चलते घटी है। पुलिस को सूचना प्राप्त होते ही मौके पर पहुंची और कई गंभीर हालत में महिला को सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र कुसमी में भर्ती कराया गया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद महिला को जिला चिकित्सालय सीधी रेफर कर दिया गया। वहीं घटना को अंजाम देकर आरोपी फरार है। पुलिस उसकी तलाश में सरगर्मी से जुटी है। सीधी से वीपी सिंह की रिपोर्ट। भाजपा के नरसिंहपुर के कार्यकर्ताओं ने कमलनाथ के आगमन के एक दिन पहले सुभाष पार्क चौराहे पर नरसिंहपुर में धरना व विरोध प्रदर्शन किया। प्रदर्शन में होशंगाबाद सांसद, राज्यसभा सांसद और विधायक जालम सिंह पटेल के साथ सभी भाजपा नेता और समर्थक बड़ी तादाद में मौजूद रहे। सभी भाजपा नेताओं ने सरकार के खिलाफ जमकर निशाना साधा। नरसिंहपुर से राहुल रघुवंशी की रिपोर्ट। सतना जिले के उच्चहरा तहसील के अंतर्गत विभिन्न समस्याओं को लेकर सामाजिक कार्यकर्ताओं द्वारा क्रमिक अनशन युवा नेता अतुल गौतम और अशोक सिंह की अगुवाई में शुरू हो गया। कार्यक्रम के पूर्व नगर में एक रैली निकालकर मांगों को सभी को बताया गया, जिसमें प्रमुख मांगे सड़क निर्माण, पुलिया निर्माण, कॉलेज भवन निर्माण, नगर में सभी को पट्टा एवं तमाम ज्वलंत मुद्दे इस आयोजन में शामिल हैं। सतना से रविशंकर पाठक की रिपोर्ट। हम सभी जन समस्याओं को, जो हमारे नगर की समस्याएं हैं, आसपास की ग्रामीण समस्याएं हैं, उनके उन मुद्दों को लेकर, जनहिताय मुद्दों को लेकर हम अनशन में आज बैठे हैं। हमारे ज्वलंत परिवार के लोग सभी साथ में बैठे हैं और रोड की समस्या है, ओवरब्रिज है उचहरा का ओवरब्रिज, हॉस्पिटल की समस्या, वहाँ हड्डी रोग विशेषज्ञ नहीं है, एक्सरे की मशीनें नहीं है, यहाँ के लोगों को पट्टा नहीं दिया गया है, ये सब सारी समस्याएं हैं। उचहरा में अस्पताल में ये आलम है कि उचहरा में 2 लाख से ऊपर आबादी का क्षेत्र है, इसके तदुपरांत भी यहाँ पर 7 पदस्थ डॉक्टर होने चाहिए, जो 4 डॉक्टर यहाँ पदस्थ है, महिला चिकित्सक नहीं है, यहाँ किसी भी प्रकार के अस्पताल में कोई सुविधाएँ नहीं है मरीजों के लिए। रामपुर बघेलान के कोटर थाना क्षेत्र के अबेर गांव में एक हिरण का बच्चा मिला, जो जंगल से भटक के गांव के पास आ गया था, जिसको ग्रामीणों की मदद से कोटर थाना में सुपुर्द कर दिया गया। रामपुर बघेलान से सतीश शुक्ला की रिपोर्ट। रिलायंस पावर प्लांट के खिलाफ निरंतर चल रहे विस्थापित परिवार संघ के आंदोलन में धरने के प्रदर्शनकारियों द्वारा सरकार व रिलायंस कंपनी के खिलाफ सद्बुद्धि अखंड पाठ किया गया। विस्थापित परिवार संघ के सदस्य संदीप शाह ने कहा कि पिछले 10 दिनों से हम हजारों विस्थापितों यहां लगातार धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, परंतु इस असंवेदनशील सरकार और पूंजीपति रिलायंस कंपनी के कानों में जूं तक नहीं रेंग रही। विस्थापित परिवार संघ को सांसद रीति पाठक ने समर्थन देते हुए कहा कि विस्थापित भाइयों की आप लोगों का सभी जायज मांगे हैं, हम आपके साथ हैं, मैं आज ही कलेक्टर को पत्र लिख रही हूं, जल्द ही जल्द आप लोगों की मांगे जिला प्रशासन एवं कंपनी प्रबंधन मांगों को पूरा करेगी। सिंगरौली से शिवेंद्र धर की रिपोर्ट। एनटीपीसी विंध्याचल के यूनिट 7 में रविवार को अचानक आग लगने से हड़कंप मच गया। घटना के बाद परिसर में अफरा तफरी मच गई। मौके पर दमकल वाहन व CISF के जवानों ने आग पर काबू पाने में घंटों तक मशक्कत की। करीब 2 घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया जा सका। आग लगने की घटना में जहां यूनिट से उत्पादन ठप हो गया है, वहीं करोड़ों के नुकसान का अनुमान लगाया जा रहा है। सिंगरौली से शिवेंद्र धर की रिपोर्ट। इस बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।